प्रीलिम्स के इस पार्ट 4 देख रहे हैं, करंट अफेयर्स और फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। अभी तक 30 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं। 31st क्वेश्चन जो है आपका, सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन वेस्टेड विद ओरिजिनल एंड वाइड पावर्स ऑफ डिफेंडिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरिजिनल पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स दिस पावर एक्सक्लूसिवली, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो ये पावर है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट जो है वो भी रिट्स इशू कर सकती है वॉयलेशन पे फंडामेंटल राइट्स के। तो ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, वो रिट्स इशू कर सके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो जाता है। सिटीजन्स में अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली विदाउट नेसेसरली गोइंग थ्रू अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। तो आपके आर्टिकल 32 में प्रोवाइड किया गया है, तो जो स्टेटमेंट 2 है वो आपका सही है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, 2 ओनली। विच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गिव द जुडिशियरी द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू? आर्टिकल 13 विच सेज लॉज अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन शॉल बी वॉइड, ठीक है। तो ये ठीक है बिल्कुल। आर्टिकल 32 विच गिव्स सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स, ये भी ठीक है। रिट्स इशू कर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू प्रैक्टिस करती है। आर्टिकल 26 विच गिव्स हाई कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपके जो इसका आंसर रहेगा वो डी रहेगा, 1, 2 एंड 3। द मेनका केस 1978 इज फेमसली नॉन फॉर वाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, जुडिशियस रीबैलेंसिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एवोल्यूशन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन, क्लैरिफाइंग द प्रोविजंस रिलेटेड टू रेजिडेंट प्रेजिडेंट्स रूल। तो इसका आंसर है ए, वाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। जो मेनका गांधी केस हुआ था, मेनका गांधी केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी था, उसका जो एम्बिट था उसको काफ़ी वाइड कर दिया था, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इस केस के बाद राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को काफ़ी ज़्यादा इंटरप्रेट किया जुडिशरी ने, और काफ़ी सारे राइट्स को इंटरप्रेट करके, जैसे राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट टू ट्रेवल एब्रॉड, राइट फॉर फ्री सेफ एनवायरनमेंट, ऐसे जो राइट्स थे वो इंटरप्रेट होकर आए इस मेनका गांधी केस के बाद। तो इसको एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में, ठीक है ना। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन एज कॉन्स्टिट्यूटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सी, पार्लियामेंट। डी, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर है आपका डी, सुप्रीम कोर्ट। 35th, इट इज सेड दैट रिट ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिस इज बिकॉज, नंबर वन, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट लीगल राइट्स विच द हाई कोर्ट कैन डू। स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है। द रिट ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज एक्सक्लूसिव विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स अंडर स्टेट स्पेसिफिक लॉज। जो ये आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक लॉज इसमें बोला गया। अब कोई स्टेट का लॉ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा लॉ बना दे जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रही हो, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट सीधा बीच में आ सकती है, या सिटीजन अगर अपील करता है कोर्ट में तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट को भी अपील कर सकता है कि भाई इस स्टेट के लॉ से मेरे को ये हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिव है स्टेट सारे लॉज को लेकर। जो लॉ फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करेगा उसको लेकर वो एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए, वन ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट? ए, यूनाइटेड। बी, IMF। सी, OECD। डी, WTO। तो इसका आंसर है आपका ए, UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म वॉज प्रपोज टू द UN बाई विच ऑफ द विच कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन? ए, इंडिया। बी, OECD। सी, US। डी, UNESCO। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कन्वेंशन है, इसको इंडिया ने प्रपोज किया था 1996 में, ठीक है। इसको हमने डेप्थ में डिस्कस किया था अपने करंट अफेयर्स के टाइम पे, जिसमें इंडिया ने ये कहा था कि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन होनी चाहिए टेररिज्म की, कम्प्लीटली फंडिंग जो है वो रोक देनी चाहिए पूरे टेररिज्म की। तो ये सब पॉइंट्स जो थे इंडिया ने रखे थे। तो अभी तक ऐसा कोई कन्वेंशन अडॉप्ट नहीं किया है UN ने। इस बार भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के टाइम पे हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसका जिक्र किया था और कहा था कि इसको अडॉप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 38th, विच कंट्रीज वर पार्ट ऑफ P5+1? 1, जर्मनी। 2, US। 3, ईरान। 4, रशिया। 5, चाइना। तो जो ये आपकी P5+1 कंट्रीज है ना, ये किन कंट्रीज़ को रेफ़र करने के लिए बोला जाता है जनरली? P5 आपकी वो है जो आपकी परमानेंट फाइव हैं, जो UNSC की परमानेंट फाइव कंट्रीज़ हैं, जो है US,
चाइना, रशिया, यूके और फ्रांस, ठीक है। +1 ये डिनोट करने के लिए बोला जाता है जर्मनी को, क्योंकि जर्मनी जो है वो यूएनएससी में नहीं है, इसलिए +1 करके डिनोट करने के लिए बोला जाता है। तो इसमें अब जैसे मैंने आपको बताया कि P5+1 कंट्रीज कौन सी हो गई, US, रशिया, चाइना, UK, फ्रांस और जर्मनी। तो ईरान इसमें है जो ऑप्शन में, वो आपका P5+1 का मेंबर नहीं है। तो आप देखें तो तीनों जो तीन ऑप्शंस हैं ए सी और डी, इसमें ईरान है तो ये आपके गलत हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जो आपका आंसर बचता है वो बचता है B, 1, 2, 4 एंड 5। 39th देख लेते हैं। इंडिया लीग वॉज इस्टेब्लिश इन लंडन बाई नाइनटीन इन 1921 बाई ए कृष्ण मेनन, बी श्यामाजी कृष्ण वर्मा, सी एनी बेसेंट, डी लाला हरदयाल। तो इसका आंसर है आपका सी एनी बेसेंट। ये अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में था आपका इंडिया लीग, क्योंकि जो इंडिया लीग का ऑफिस है उसको वहाँ पर थोड़ा सा इंटरनली रेनोवेट करने की बात की जा रही है, तो उसके लिए इंडियंस थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये हमारी एक हेरिटेज साइट टाइप्स है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है आपका एनी बेसेंट। 40th, डाका पॉलिसी ऑफ US एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ रिलेटेड टू ए H-1B वीज़ा होल्डर्स, बी इमिग्रेंट्स फ्रॉम इस्लामिक कंट्रीज, सी बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, डी प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन ब्रॉट इलीगली टू US। अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसका आंसर है डी।